आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। मैं हूं राम सुंदर। के मास न्यूज की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें के मास न्यूज ऐप। मैं हूं मनोज कुमार। इस समय मैं फरिया नवीन स्वास्थ्य केंद्र फरिया मौजूद हूँ। यहाँ पर काफ़ी शिकायतें आती रहती हैं कि डॉक्टर साहब यहाँ पर उपस्थित नहीं रहते हैं। आइए, इस चीज़ को हम आपको दिखा रहे हैं कि डॉक्टर साहब यहाँ पर उपस्थित है कि नहीं है, और मरीजों से रूबरू हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं, और मरीजों को कितनी सुविधा यहाँ से मिल पा रही है। अब मैं आपको अंदर लेकर चल रहा हूँ। ये देखिए, अस्पताल का जो नवीन प्राथमिक केंद्र जो है यहाँ पर, वहाँ मैं आपके ग्राउंड की व्यवस्था देख रहा हूँ। ये ग्राउंड की व्यवस्था, यहाँ मरीजों का कहना है कि नल काफ़ी दिनों से ख़राब है, जो कई बार शिकायत करने के बाद भी नल की व्यवस्था अब तक नहीं सुधरी है। ये देखिए, मैं ग्राउंड जो स्वास्थ्य केंद्र का ग्राउंड दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए किस तरह यहाँ सड़ा पानी बजबजा रहा है। ये देखिए, जब अस्पताल, एक अस्पताल की ये व्यवस्था है, तो और क्या व्यवस्थाएं हो, किस तरह हो सकती है, आप समझ सकते हैं। ये एक अस्पताल ग्राउंड, नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के ग्राउंड की व्यवस्था है, जिस तरह पानी बजबजा रहा है। और क्या ये पानी बीमारियों को दावत दे रहा है कि नहीं दे रहा है, आप इस पर स्वयं विचार करिए। देखिए किस तरह पानी बजबजा रहा है। ये हम और सी चीज़ों आपको दिखा रहा है, जो फरिया में जो अस्पताल की दुर्दशा है उसको भी हम दिखाने का काम करेंगे। कई लाख रुपए सरकार खर्च करके यहाँ पर ये बिल्डिंग का कार्य की है, लेकिन यहाँ पर कुछ अराजकता तत्वों द्वारा उसको किस तरह से तोड़ दिया गया है, उसको हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस तरह जो कई लाख रुपए की कीमत से बिल्डिंग बनाई गई है, किस तरह ये अपने बदहाली पर हो रही है। आप देख सकते हैं स्वयं कि किस तरह ये किस व्यवस्था में है, क्योंकि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं दी जाती हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। रानी की सराय, जो हमारे आजमगढ़ ज़िले के रानी की सराय ब्लॉक है, ब्लॉक से 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर ये नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। देखिए क्या दुर्दशा है। ये सरकार जिस उद्देश्य से सरकार इसकी बनाई है, ये बिल्डिंग बनाई है, जितने रुपए खर्च करके बनाई है, क्या ये दुरुपयोग, सरकारी पैसे का दुरुपयोग नहीं हो रहा है? उत्तर प्रदेश सरकार लाख दावे करे कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार हम चलाएंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ देखिए क्या व्यवस्थाएं हैं। कई लाख रुपए लगकर ये मकान का निर्माण हुआ है, लेकिन किस तरह यूज हो रहा है आप देख सकते हैं। जब आप इसकी देख रेख, इसकी इस मकान की व्यवस्थाओं को आप देखिए कि किस तरह है, जब यहाँ इस तरह की व्यवस्था रेख, इसकी इस मकान की व्यवस्थाओं को आप देखिए कि किस तरह है, जब यहाँ इस तरह की व्यवस्थाएं हैं, तो अंदर क्या व्यवस्थाएं होंगी, आप समझ सकते हैं किस तरह से ये भ्रष्ट लोगों की देन है। कि यहाँ डॉक्टर, अब हम बात करेंगे कि यहाँ जो डॉक्टर हैं, देखते हैं उपस्थित हैं कि अनुपस्थित हैं, इस चीज़ पे हम बातचीत करेंगे। और कुछ मरीजों से यहाँ अगर मरीज मिलेंगे तो हम उनसे भी बातचीत करेंगे। फरिया ये प्राथमिक स्वास्थ्य, नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। आइए हम अंदर चलते हैं, आपसे डॉक्टर, यहाँ के डॉक्टर साहब से आपको रूबरू कराएंगे कि मतलब हैं कि नहीं है। आइए हम बातचीत करते हैं उस चीज़ को लेकर। ये देखिए अंदर की व्यवस्थाएं हैं, फिलहाल मरीज तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन ये देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ओपीडी। ये ओपीडी की व्यवस्था है, जहाँ डॉक्टर साहब अंदर बैठ के ओपीडी देखते हैं। ये देखिए ताला बंद है। आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ कि ये 12:30, अभी 12:25 हुआ है, 12:25 पे ये ताला इस तरह लटका हुआ है। ये हमारे यहाँ के लोगों का कहना है कि ये मेडिकल ऑफिसर का रूम है, जहाँ बैठ कर ओपीडी देखते हैं, जिनका नाम बेलाल जी है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग थे, उनसे हमने बातचीत किया तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब तो आए थे, लेकिन 11 बजे यहाँ से चले गए हैं किसी कारणवश से। मैं पूछता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार से, क्या इनको 1 घंटे से 1.5 घंटे बैठने के लिए इनको यहाँ नियुक्त किया गया है, या इनको मरीजों से इनका जो लगाव नहीं हो पा रहा है, किस तरह मरीज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, मरीजों को क्या व्यवस्थाएं देनी, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। बेलाल डॉक्टर को यहाँ उपस्थित 1 से 1.5 घंटे हो पा रही है, आज की डेट में बता देना चाहता हूँ। काफ़ी इनकी शिकायतें मिलती रहती है। आइए देखते हैं, और कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे हम कि क्या व्यवस्थाएँ चल रही है।
सबसे पहले सर आपका मैं परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार शर्मा है जी। आप यहाँ क्या हैं? फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट है। यहाँ जो मुख्य डॉक्टर साहब हैं उनका क्या नाम है? डॉक्टर बिलाल अहमद। बिलाल अहमद जी, वो यहाँ पर आज आए थे? जी आए थे। कब गए यहाँ से? थोड़ी देर हुआ है, चले। थोड़ी देर चले गए हैं, मतलब कब आए थे, कब गए, कब तक यहाँ जो समय दिए हैं? अब सुबह लगभग 8 बजे आ गए थे, उसके बाद अभी थोड़ी देर हुआ चले गए हैं किसी कारणवश। 8 बजे आ जा रहे हैं आप लोगों की ड्यूटी, 8 बजे से यहाँ आए? जी जी। अच्छा, अब तक आज कितने मरीज यहाँ तक लमसम आए होंगे? अभी तक तो यहाँ 7-8 मरीज देखने के मिल रही है। क्या ऐसी वजह है जो बिल्डिंगों को दुर्दशा, इस तरह की दुर्दशा है? और ये ग्राउंड में जो पानी बज बजा रहा है, इस पे साफ सफाई की व्यवस्था कैसे चलेगा? अब देखिए, इसमें हम क्या बताएं, पहली बात तो बिल्डिंग सही नहीं है, टूट फूट गया, लोग चोर खाड़ ले गए हैं, कोई रहता नहीं है यहाँ पे, सब लोग रूम किराए पर लेकर रहते हैं। और गाँव में जो सफाई कर्मचारी वगैरह हैं, ये सब नहीं देखते नाला वाला पानी। तो यहाँ तो अंदर भी एक सफाई कर्मी होंगे, अंदर भी इनकी व्यवस्थाएं होंगी साफ सफाई की? और मान लीजिए जो ये रूम बना उनको रहने के लिए बना है, रूम क्यों तब बाहर लेके रह रहे हैं? मरीजों से कैसे रूबरू होते होंगे, मरीजों को कैसे दवा देते होंगे जब वो बाहर रूम लेके रह रहे हैं? लोग बाहर ले गए ना, किवाड़ दरवाजा खिड़की रहने लायक नहीं है, इसलिए कोई यहाँ रह नहीं पाते। जब रहते नहीं होंगे तब तो भाई नुकसान होगा, जब रहते लोग तो ऐसा तो नहीं होगा? पहले की बात तो मुझे पता नहीं, लेकिन जब से मैं देख रहा हूँ टूटा फूटा है जी। जैसा कि हमने डॉक्टर साहब से बात किया, इन्होंने बताया कि यहाँ से जो भी व्यवस्थाएं हैं, यहाँ काफ़ी लुंज पुंज, ये कह लीजिए काफ़ी लुंज पुंज है। डॉक्टर साहब 8 बजे तक आ गए थे और लमसम उनका मैं बता देता हूँ, लमसम 11 बजे तक वो चले गए यहाँ से। अगर इस तरह व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश में चलती रहेगी, उत्तर प्रदेश सरकार लाख दावा करे कि हम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चला, लेकिन क्या यही भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है? जब स्वास्थ्य की व्यवस्था अगर सही नहीं हो पाएगी तो क्या व्यवस्थाएं स्वास्थ्य ठीक होगी? और मैं आपको दिखा देना चाहता हूं, आइए देखिए क्या ये साफ सफाई की व्यवस्था है, अंदर भी मैं दिखा देना चाहता हूं। ये देखिए साफ सफाई की व्यवस्थाएं हैं, ये देखिए टूटी फूटी अलमारियां हैं, ये देखिए। इससे अच्छी साफ सफाई की अगर व्यवस्था देख लिया जाए, इससे अच्छी साफ सफाई की व्यवस्था देख लिया जाए तो जो लोग कबाड़े की दुकान, जो लोग कबाड़े की दुकान करते हैं, उससे इससे बढ़िया वो अपना कबाड़ा झाड़ कर रखते हैं। इस चीज़ को मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह की व्यवस्थाएं फरिया में है। फरिया की इतनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की नींव तो रखी गई है, लेकिन क्या सुचारू रूप से उनको इलाज की व्यवस्था मिल पा रही कि नहीं मिल पा रही, इस पर मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। आप लोग स्वयं इस पर बताइए, जवाब दीजिए कि जो भी व्यवस्थाएं इन पर मिल रही है, क्या इसी तरह व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए? उत्तर प्रदेश सरकार आदित्यनाथ योगी जी हमारे बार बार दावा करते हैं कि हम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चला रहे हैं, भ्रष्टाचार यही देख लीजिए, आप स्वयं सामने देख लीजिए, इसके जिम्मेदार कौन? फरिया की जनता या यहाँ के कर्मचारी या अधिकारी या यहाँ के जो शासन प्रशासन के लोग हैं, इसके जिम्मेदार कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। आप देख रहे थे केमास न्यूज, मैं हूँ मनोज कुमार।